आज के एपिसोड पर डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन ऑल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नए ज़माने की जंगों में कितना अहम रोल होगा और साइबर सिक्योरिटी आज के दौर की बड़ी रिक्वायरमेंट क्यों है, इस पर हम इस प्रोग्राम में डिस्कशंस करते रहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन में दुनिया में दो मुल्क लीड कर रहे हैं आजकल, एक तो अमेरिका है, दूसरा चाइना है। रशियंस के पास भी बेहतरीन कैपेबिलिटीज़ हैं इस हवाले से, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूक्रेन की जंग चल रही है, दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि रशिया अपने जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनका मुजाहरा करके दिखाएगा इस डोमेन में, लेकिन रशिया ने अभी तक उस लेवल की चीज़ें दिखाई नहीं है जो कि दुनिया उससे एक्सपेक्ट कर रही थी। वो ट्रेडिशनल तरीके से अब भी जंग लड़ रहे हैं, लेकिन नेवर द लेस ये एक ओपन सीक्रेट है कि रशियंस के पास भी बड़ी महारत हासिल है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन में। बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो कि इन बड़ी ताकतों के मुकाबले में अभी शुरुआती स्टेजेस पे हैं, क्योंकि ये वॉर की नई डोमेन है जो कि अभी पिछले कुछ सालों में सामने आई है, जहाँ जिसके अंदर दुनिया ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगी है। उन मुल्कों में जो नए नए इसमें शामिल हुए हैं ना, इस डोमेन के अंदर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, आहिस्ता आहिस्ता ये इस पर काम कर रहे हैं। ये यूँ समझें कि एक सीड से आहिस्ता पौधा निकल रहा है। अच्छा, इंडिया की स्पीड में आपको बताऊं कि बांग्लादेश से ज़्यादा तेज़ है इस डोमेन में आगे बढ़ने की। इसकी वजह यह है, इंडिया एक तो बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है, और पैसा वो इसलिए लगा रहा है क्योंकि उसका जो टाकरा हुआ है, उसका जो थ्रेट वो फेस कर रहा है, वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन में जो सबसे बड़ी उनकी फोर्स है चाइना, इंडिया उसको फेस कर रहा है। लिहाजा इंडिया के ऊपर शदीद दबाव है कि वो अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाए, लेकिन एज ऑफ नाउ इंडिया की कैपेबिलिटीज़ प्राइमरी लेवल की हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन में और साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में। बांग्लादेश के इंडिया और चाइना दोनों के साथ अच्छे रिलेशन हैं। मिलिटरली बांग्लादेश इंडिया की बजाय चाइना पे ज़्यादा डिपेंड करता रहा है, आज से नहीं कई साल से। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी के मुद्दों पर अजब बात यह है कि बांग्लादेश इंडिया की तरफ ज़्यादा देख रहा है, जो कि खुद एक छोटे लेवल की फोर्स है इंडिया। अच्छा, बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ए के अब्दुल मोमिन साहब आजकल इंडिया में हैं, JCC की मीटिंग है वहाँ पर, और वहाँ बांग्लादेश ने ऐलान किया है और इंडिया ने कि हम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में मिलकर काम करेंगे। इंडिया कह रहा है कि हम हेल्प करेंगे बांग्लादेश की, वो खुद अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे, लेकिन इनको कह रहे हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अभी कुछ घंटे पहले रिपोर्ट किया है कि इंडिया बांग्लादेश एक्सप्लोर कोऑपरेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप्स। इसमें वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब को कोट करते हुए लिख रहे हैं। अब ये जयशंकर कह रहा है बांग्लादेश को कि वी नाउ लुक फॉरवर्ड टू वर्क विद यू टू टेक अवर टाइज टू न्यू डोमेन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप्स फिनटेक। नाउ फिनटेक असल में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को कहते हैं, इस पर कभी बात करूँगा। ये भी अपने आप में एक नया, आजकल नई नई चीज़ें आ रही हैं ना, तो ये फिनटेक भी यूँ समझे ज़्यादा पुरानी नहीं है, इसको भी कुछ साल हुए। वैसे तो ये 90s से चलती आ रही है, लेकिन आजकल इसके अंदर एक बूम सा आ गया है। अब यहाँ एक मसला ये है बांग्लादेश के लिए कि आजकल जो डिफेंस का सेक्टर है ना, इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनको सबसे ज़्यादा चाहिए ये फौजियों को और इनको मिलिट्री वालों को। इसकी वजह यह है कि जंगें जो हैं ऑटोनोमस वेपन्स के ज़रिए लड़ी जा रही हैं। आजकल ऐसे ऐसे हथियार आ रहे हैं जो कि खुद ही खुद को ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसी ऐसी मशीनें आ रही हैं। बांग्लादेश की अक्सर जो वेपनरी है दैट इज़ मेड इन चाइना। इसी तरह जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी इन्होंने अडॉप्ट कर रखी है ओवर द ईयर्स दैट आल्सो बिलोंग्स टू चाइना, वो ज़्यादातर मेड इन चाइना है। ऐसे में अगर आप इस नए वॉर डोमेन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन में इंडिया से जुड़ रहे हैं ना, जो कि मुझे लग रहा है सियासी डिसीजन लिया गया है, अगर आप इंडिया से जुड़ रहे हैं तो एक तो आपके हाथ कुछ नहीं आना। इसकी वजह यह है कि एज आई सेड, इंडिया खुद शुरुआती लेवल का प्लेयर है, छोटे लेवल का प्लेयर है। दूसरा और सबसे अहम फैक्टर, ये गौर करने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आप आगे के लेवल पर पहुँचेंगे ना, जब बांग्लादेश इस डोमेन में, जाहिर है आगे चल के 2 साल 5 साल 10 साल के अंदर तरक्की तो होगी ना, आगे कुछ ना कुछ आप इसमें पैसा डालते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे इसके अंदर। जब आप आगे की लेवल पर पहुंचेंगे ना, तो आपकी जो मौजूदा टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो आप मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ मौजूदा यूज़ कर रहे हैं, आपकी फोर्सेस यूज़ कर रही हैं, ये मेड इन चाइना है। इनको जब आप इंडिया के साथ कोऑपरेट करके आगे बढ़ेंगे ना, तो आप इस डोमेन के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन के साथ अपनी चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को शायद आप इंटीग्रेट ना कर पाएँ, मिलिट्री आपकी जो है वो उसको इंटीग्रेट ना कर पाए, आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फ्रंट पोस्ट ने
कुछ महीने पहले खबर लगाई थी कि इंडिया लैग्स बिहाइंड चाइना इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय अ डेकेड, 10 साल पीछे है उनसे। मैस लिव टुवार्ड्स डिजिटल कॉलोनाइजेशन, ये सबसे एक ख़तरनाक बात है। और ये सिर्फ ये फर्स्ट पोस्ट वाले नहीं लिख रहे, बहुत सारे वेस्टर्न एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि इंडिया डिजिटल कॉलोनी ऑलमोस्ट बन चुका है। वो हद से ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइनीज़ के ऊपर भी, अमेरिकन के ऊपर भी इस डोमेन के अंदर। और फर्स्ट पोस्ट वाले मजीद इसमें लिख रहे हैं कि चाइना हैज़ बीन यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज इट्स स्ट्रेटेजिक वेपन टू लीव फ्रॉग अहेड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अचीव ग्लोबल डोमिनेशन। डिजिटल कॉलोनाइजेशन मित्रों, डिजिटल कॉलोनाइजेशन, एक तो जैसे ब्रिटिशर्स आ गए हमारे ऊपर बैठ गए, हमारे सारे मुल्कों में, आज का पाकिस्तान, आज का इंडिया, ये एक प्रॉपर कॉलोनाइजेशन है। लेकिन आज आगे का जो ज़माना है ना, इसमें डिजिटल कॉलोनाइजेशन होगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। डिजिटल कॉलोनाइजेशन, जो जो मुल्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन में, साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में पीछे रह गए, कॉलोनी बन जाएंगे, डिजिटल कॉलोनी बन जाएंगे। तो मुझे बताएं कि इंडिया खुद कॉलोनी बनने जा रहा है चाइना की या अमेरिका की, और आप फ्यूचर अपना जो है इनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं कि इनके साथ जो है ना मिलके काम करेंगे। एक डिजिटल कॉलोनी के साथ आप उनको कह रहे हैं कि लेट्स कोऑपरेट टुगेदर इन दिस फील्ड, ये कोई अकल को हजम होने वाली बात है? ये किस तरह की पॉलिसी है? हालांकि एज आई सेड के बांग्लादेश के पास चाइना का बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है, उनकी आप देखें स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उनके चाइना के साथ। ये सब सियासी चीज़ें हो रही हैं, आई थिंक ये जो इंडिया को कहा गया है कि लेट्स कोऑपरेट टुगेदर इन दिस फील्ड, ये सियासी चीज़ें हैं। इंडिया कुछ भी देने के पोजीशन में नहीं है, दे आर देमसेल्व्स डिजिटल कॉलोनी। अमेरिका की कॉलोनी समझ लें या चाइनीज की कॉलोनी समझ लें, ये बांग्लादेश को इस हवाले से कोई फ़ायदा नहीं दे सकते, अलबत्ता लॉन्ग रन में नुकसान ज़रूर दे सकते हैं बांग्लादेश इन डोमेन्स में इंडिया के साथ ही अगर लिंक्ड रहा तो। मिलिटरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही फ्यूचर की जंगों में डिसाइसिव फैक्टर होगी। जो मुल्क जितना आगे होगा इसके अंदर, वो मुल्क यूँ समझे कि उसकी मिलिट्री उतनी ही पावरफुल होगी। अगर किसी मुल्क की मिलिट्री के पास ज़बरदस्त मिज़ाइल होंगे, ज़बरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम होगा, अगर ये चीज़ नहीं होगी ना आगे की जंगों में, यूँ समझे कि जंगों का जो स्टाइल है ना वो तब्दील होने जा रहा है अगले 10-15 साल के अंदर अंदर। ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने तो देना, अभी स्टार्टिंग हो गई है उसकी, ये आ रहा है स्लोली स्लोली। BRI जो है ना वो इसके अंदर एक डिजिटल सिल्क रूट है। अब देखिएगा ये क्या क्या चमत्कार दिखाता है ये वाला जो एक प्रोजेक्ट है चाइनीज़ का। अमेरिका ऐसे ही उससे खौफज़दा नहीं है, ऐसे ही अमेरिका चाइना के पीछे हाथ धो के नहीं पड़ गया। डिजिटल जो सिल्क रूट है सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये जो रोड बन रहे हैं, रेल बन रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, असल डिजिटल सिल्क रूट है। तो इसी तरह से ये जो आर्टिफिशियली ये जो डिजिटल डोमेन्स है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आगे के जंगों में। डिसाइसिव फैक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्ले करेगी जंगों के अंदर। अगर आप इस डोमेन में पीछे रह गए तो गड़बड़ हो जाएगी। द डिप्लोमेट ने, दुनिया के एक बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है, इन्होंने रिपोर्ट किया था कुछ अर्सा पहले। अब ये पढ़ने वाला आर्टिकल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ज़रूर पढ़िएगा, इट्स फुल ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। वो कह रहे हैं कि हाउ डज चाइना एम टू यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वॉरफेयर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन पर्टिकुलर इज सीन एज अ गेम चेंजिंग क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। अब ये एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ दुनिया के अंदर आ गई है, जो मुल्क इसके अंदर पीछे रहा गया, उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज डाउन हो जाएंगी, सिग्निफिकेंटली डाउन हो जाएंगी अगर वो इसके अंदर पीछे होगा तो। इसका छोटा सा नमूना मैं आपको बता दूं, चीन पहले ही दिखा चुका है। देखें चाइना की नेवी में, अब ये हो रहा है दुनिया के अंदर, ये कोई हवाई बातें नहीं है, प्रैक्टिकली दुनिया में हो रहा है। चाइना की जो नेवी के जो नए ड्रोन कैरियर्स उन्होंने डिप्लॉय किए हैं, ये ऑटोनॉमस हैं, खुद ही खुद को ऑपरेट कर रहे होते हैं, कोई इंसान इनको नहीं चला रहा। ये आगे की जंगें हैं, दुनिया इस तरफ जा रही है। इनकी आर्मी PLA ने जो रोबोट्स डिप्लॉय कर रखे हैं इंडिया चाइना बॉर्डर के एक हिस्से पे, ये मशीन गन्स कैरी करते हैं, खुद ही खुद को ऑपरेट करते हैं, सामने दुश्मन आ गया दबड़दूस करेंगे। और मज़े की बात यह है, अजब सी टेक्नोलॉजी इसके अंदर, कि चाइनीज सोल्जर को और जो दुश्मन का सोल्जर है उसकी पहचान है इसके अंदर। सामने अगर इसके कोई अपना सोल्जर आ जाएगा तो ये भी न्यूज़ आ रही है कि ये उसको नहीं हिट कर रहा, ये सिर्फ उनको हिट कर रहा है जो कि बाहर की फोर्सेज हैं। ये इस तरह के हथियार आ गए हैं, दिस इज़ द फ्यूचर। इंडिया के पास मुझे बताएं क्या कैपेबिलिटीज़ हैं भाई, है क्या उनके पास इस डोमेन में देने को कि वो ऑफ़र कर रहे हैं बांग्लादेश को, और बांग्लादेश लेगा क्या इनसे, क्या चीज़ लेगा? वो जो इंडिया के जो हैकर्स हैं, बिग एलिफेंट और बेबी एलिफेंट, छोटा एलिफेंट जो कि नाम रखे हुए हैं, उनके हैकर ग्रुप्स हैं कुछ, ये तो कुछ भी नहीं है। ये इस तरह की कैपेबिलिटीज़ दिखा के इंडिया खुश हो रहा होता है कि यार साइबर सिक्योरिटी में देखें हम कितने आगे हैं, ये कुछ भी नहीं है, प्राइमरी लेवल की चीज़ है। इससे बेहतर तो पाकिस्तानी ये जो टीम्स हैं वो कर रही होती हैं। लिहाजा यहाँ पे आप एक ऐसी चीज़ की तरफ फ्यूचर में देख रहे हैं जिसकी लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ हैं और बेसिक लेवल की कैपेबिलिटीज़ हैं। आपको उनसे सीखना चाहिए जो कि गुरु हैं इस फील्ड के, उनसे नहीं जो कि खुद सीख रहे हैं।
आई थिंक इस पर सियासत नहीं खेलनी चाहिए, ये एक स्ट्रेटेजिक मैटर है और इस पर सीरियसली काम करना चाहिए। इस पर नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए कि हाउ वी हैव टू मूव अहेड इन दी फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस पर प्रॉपर पॉलिसी बननी चाहिए और उस पॉलिसी को मेरे ख्याल से फौज के अंडर दे देना चाहिए। फौज को डिसाइड करने दें कि जहाँ पर उसको ईजी लगे फौज वहाँ पे जाके उस मुल्क के साथ, भले ही इफ़ इट्स अमेरिका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको डिसाइड करने दे बेसिकली कि वो कहाँ पर जाना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपके सिविलियंस से ज़्यादा आपकी फ़ौज को पड़ने वाली है आगे चल के।